के बारे में। जब भी बहू घर से निकल जाए, जब भी बहू घर से निकल जाए, जब भी बीवी घर से निकल जाए, तो एक बात आप जरूर नोट करना, शैतान आपको सबसे पहले आके वरगलाता है। मेरी बात लिख के रख लिया, जैसी आपकी बीवी यहाँ से मैके चले गई उसके, और जैसी आपकी समझ लीजिए बहू यहाँ से चले गई, शैतान आपको आके वरगलाता है। ये उसका बहुत बड़ा फंडा है। क्यों? तो वो चाहता है दो फर्द में झगड़ा लगने से अच्छा, मैं और मेरा भाई लड़ेंगे तो दो लोग लड़ेंगे, मैं और आप लड़ेंगे दो लोग लड़ेंगे, मियाँ बीवी लड़े, मियाँ बीवी लड़ने से दो खानदान लड़ते हैं। जितना ग्रेटर लॉस होगा, जितना बड़ा डैमेज होगा, शैतान को उतनी ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जाते ही क्या करता है, आपको बीवी के बारे में एक नई पुड़ी छोड़ देता है आपके ख्याल। जैसा एक मिसाल देता हूँ, एक आदमी अपने घर आ रहा है लौट कर बहुत दिनों बाद, अब वो क्या सोचता, शैतान कैसे डालता, तेरी बीवी अगर जाते तेरे से लपट के नहीं रोई ना, इसका मतलब तेरे से मोहब्बत नहीं करती। हाँ यार, अब मैं देखता आज क्या करती हूँ। अब शैतान ना है वरगल आ रहा, ये उसका उसका सवाल नहीं है, शैतान का डाला गया सवाल है। हो सकता तू इतना पर्दे वाला, लेकिन जब तू घर से निकलता होगा ना, उन्हें बेपर्दा रहती हूँ देख। हाँ यार, वो बेपर्दा करती हूँ, मेरे को शक तो हो रहा है उसके ऊपर। अब ये आपका सवाल नहीं था, शैतान का डाला हुआ है। जब तू घर से बाहर जाता हूँ ना, अपने सालों को मतलब तेरे सालों को बुला के, उसके भाइयों को बुला के खिलाती पिलाती, तेरा हलाल माल है ना वहाँ खर्च करती हूँ। हाँ यार, मेरे को अब शैतान डाला है। अब इत्तेफाक से घर पहुंचा और बीवी किसी वजह से पर्दे में नहीं थी। ओह, समझ रहे ना आप, यस, सारी चीजें सही थी। आप किसी वजह से आप पहुंचे और उसी दिन साले आ गए, आपके दिए हुए कुछ चीजें थी जो आपने बोले सालों को, तो उस दिन वो दे रहे, अरे ये भर्ती उधर, अब मेरे को पूरा पक्का समझ में आ गया। समझ रहे ना आप, होता है यही होता है। ये किसकी तरफ से है, तो मेरी नसीहत रखी याद, ये वार्निंग है। जब भी शैतान आके बोले तेरी बीवी वहां बेपर्दा होती, तो बोलना तू निकल जा, मैं खुद देख लूंगा कि मैटर मेरा है। देखो, आप जिससे सबसे ज्यादा, देखो बीवी से जो मोहब्बत होती है ना, वो सबसे मुख्तलिफ मोहब्बत है एक शौहर की, जो किसी से भी इंसान नहीं करता, वो अल्लाह की तरफ की बनाई फितरत है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि भरोसा, मोहब्बत भरोसे पर चलती है ना, बगैर भरोसे कोई मोहब्बत होती है किसी को कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ठीक है भरोसा किसी चीज़ में नहीं करता तो कैसा होंगे। मोहब्बत का फितर तकाजा है भरोसा, तो आप भरोसा क्यों नहीं करते, शैतान को क्यों मौका देते। अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।